नमस्कार दोस्तों, चौपाल संवाद के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी एक ब्रेकिंग खबर आप लोगों के लिए आ रही है। बिहार के तमाम 4 लाख नियोजितों के लिए एक बहुत ही खुशी भरा खबर आने वाला है, क्योंकि जैसा कि वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं कि जो समान काम समान वेतन का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था 3 अक्टूबर को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट को सुरक्षित रखा गया था उस संदर्भ में सुनवाई होने की खबर मिल रही है। जैसा कि आप वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कर दिया गया है कि 10 मई को सुनवाई होने वाली है। और इस सुनवाई में बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों का फैसला अधर में लटका हुआ था। सभी लोग कयास लगा रहे थे कि फैसला जल्द से जल्द आएगा, लेकिन इंतजार की घड़ी लंबी होती गई और अभी सुप्रीम कोर्ट 13 मई से गर्मी की छुट्टी की घोषणा होने वाली है। लेकिन इसी बीच एक आज वेबसाइट के माध्यम से आज ब्रेकिंग खबर मिल रही है कि इसमें सुनवाई 10 मई को होने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर सारे केस का, जो समान काम समान वेतन के केस से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उसे डाल दिया गया है। SLP 20/2018 में कल दिनांक 10 मई को 10:30 बजे सुनवाई होगी और इस संबंध में इंटरनेट पर और कॉज लिस्ट में, साथ ही साथ फाइनल लिस्ट में अभय मनोहर सप्रे साहब और उदय उमेश ललित साहब के कोर्ट नंबर 6 में सुनवाई होगी। और जो समान काम समान वेतन से संबंधित केस शिक्षकों का मामला जो लटका हुआ था 7 महीने से, वह संभवतः कल के डेट में शिक्षकों के पक्ष में आने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों, हम सभी साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि वे ईश्वर से कामना करें कि यह फैसला हम लोगों के पक्ष में आवे, ताकि 4 लाख शिक्षकों की जो का जो भविष्य है, उनकी सम्मान की लड़ाई है, वह मिल सके। यह लड़ाई चूँकि हम सभी शिक्षकों का सिर्फ और सिर्फ समान काम समान वेतन का ही नहीं बल्कि सम्मान का लड़ाई है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जितने भी पदाधिकारी हैं बिहार सरकार के, संबंधित पदाधिकारी को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ ही साथ विभिन्न संगठनों के जो याचिकाकर्ता हैं वे लोग भी दिल्ली की ओर कुछ कर चुके हैं, और इसके साथ ही जितने भी याचिकाकर्ता हैं अपने लीगल टीम के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। साथ ही साथ कल की सुनवाई के संबंध में वे लोग लगातार अपने ARO के संपर्क में लगे हुए हैं। जैसे ही कोई नई सूचना मिलेगी आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करेंगे।